हेलो, मैं हूं अभय देओल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय Hyundai। यार ये दिल ना बड़ा बदतमीज होता है, कहीं भी कभी भी धड़कना शुरू कर देता है, चाहे डर लगे या एक्साइटमेंट, और प्यार हो तब तो पूछो ही मत, सीधा दीवाना हो जाता है। अजीब चीज है ये दिल की धक धक, छुपाए नहीं छुपती, दबाए नहीं दबती। कमाल है, प्यार हुआ है मलिष्का को और डर के मारे मेरा दिल धड़क रहा है। मलिष्का प्लीज अब मान भी लो कि है तुम्हें प्यार। चलिए देखते हैं। It's just not my scene, you know. But you did. You chased. You did. Like that pump. How did I chase you now? Please just give me. And then I will tell them how you chased me down. Sitting there in one corner like and crying for attention. मैंने लाइफ में कभी किसी लड़के को चेस नहीं किया, मुझे वो ही नहीं, किसी ने चेस किया लाइक अ मोबड़ी। Why would he chase you of all the people in the world? Look at your daddy, you don't have a bath. Nothing to do with the bath and the daddy, you know. ये मुझे इतने हफ्तों से सता रहा है ये कह के कि मैंने उसको चेस किया। I didn't even notice him. What did you just say? I was seeing someone else. Why would I even? You. No. Okay, let's have a really clear conversation about this. जिसको तुम सबसे ज्यादा मानते हो उसकी कसम खाओ और मुझे बताओ। मेरी माँ की कसम, you chase me down. और मैं अपनी माँ की कसम खा के बोलती हूँ कि I was not the one. I never chased you. You can forget. कमाल करते हो पांडे जी। The point is, अगर मैं तुम्हारे साथ What happens when I'm there for 2 days when I go out? What happened? Why are you blushing? I'm not blushing. This is not a blush. This is not a blush. It is. बोलना। तू बोलना। तू बोल। मैं क्यों बोलूँ? Go. Just work, please. मलिष्का को अपने प्यार की बीमारी के सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन बदमाश लड़की अपने इस सच को छुपा रही है। प्यार में चोरी, सो बैड। लेडीज, दिल का दरवाजा हल्का सा खुला नहीं कि प्यार छुपके से एंट्री ले लेता है। वहां गुजरात में महिमा का दिल दौड़ने लगा है, पहले भी दौड़ा है लेकिन इस बार किसी और के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं सेट पे, हमारा सेट लग चुका है वहाँ पर। सेट रोज लगता है लेकिन आते ही नहीं टाइम पे। बहुत अच्छा भी हमारा ये वाला कैमरा मैन बहुत स्वीट है। आपका नाम क्या, नाम बताओ ना। एरन, और ये चिच्ची। इसका नाम मैंने रखा है साले का नाम चिच्ची। स्क्रू डीलर। It is not working. खाले नानू, मेरा चुच्चू, उसका हाथ जा चुका है भाई, देखना। My God. ज्यादा खराब है। Oh my God, चुच्चू, so sweet.
से मूव्स। ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं है। खुशी हुई हमने एक बंदा सेव किया। ये रखा है बच्चों, तो खा ले अभी। चिच्चू ने सब कुछ लगा दिया है। मतलब मर जाएगा इधर, तो होप कि वो बचेगा। रियली मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि मेरा बंदर मर गया है, तो मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है। शूट पे दिल अक्सर हो जाता है बेकाबू। महिमा जरा संभल के, तुम्हारा दिल डबल बीट पे धक धक कर रहा है। एक बीट गौरव की, दूसरी चूचू की। गरम गौरव को पता चल गया तो तेरे चूचूदा मुरब्बा हो जाना है। कई बार तहे दिल से चाहकर भी हर कोशिश करने के बावजूद दिल हार जाता है, जैसे सोनल के साथ हो चुका है। आज एक बार फिर वो अपने मम्मी पापा से अपने दिल की बात कहेगी। सोनल के दिल की नाव किस पार जाएगी, इस पार? Yes. I really love my wedding room. और ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे बात करना पसंद नहीं है, मुझे उनसे बात करना बहुत पसंद है, पर मुझे पता नहीं कि मुझे क्या रोक रहा है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत बड़ी बात है कि वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं मैं जिस तरीके से हूँ। मेरे को डर लगता है कोई बैड रिएक्शन से, कहीं वो नाराज ना हो जाए या मुझे सुन के और अपसेट नहीं हो जाए। ईमेल तो कर दिया, पर अब मेरी टेंशन से हालत खराब हो रही है। अंदर कोई रूम फ्री है क्या जहाँ मैं अकेले बैठ सकूं? ठीक, एक बार बात कर लेते हैं। हाय डैड, मेरे को छुट्टी मिली है 18 से 22nd। So I was planning to come on 18th evening. How are you coming? Most probably by bus. Coming by bus? Come by train, na? Train ka ticket milega to train se hi aayenge. Nahi to baad mein aayenge. Aaya aaya, aapne 22nd ka slot booking kiya hai? Nahi, abhi karenge. Mere ko kal hi mili hai chutti. There's a big one searching front of the house. Hum log Bandra East mein dekh rahe hain. So बांद्रा ईस्ट कलानगर में हमें मिल रहा है। ओके चलो बाय, लव यू गाइस। ओके सो एटलीस्ट इट्स नॉट अ कंप्लीट नो। जानू का कोई मेंशन ही नहीं हुआ, बट ठीक है, एटलीस्ट आने के लिए तो बोल रहे हैं। हाँ तो नहीं, देवर ओके, आई मीन दे डिडंट मेंशन यू एट ऑल इन द कन्वर्सेशन जब मैंने बात की अभी उनसे। But they said that key book करने के लिए and mom said she'll clear the room up and ठीक है, ओके बाय। मेरे को एक्चुअली आवाज से पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। Tell
खुद को क्यों देता नहीं हंसने के धुन में। तुम दोनों का स्वागत है, हमें अपने आने की तारीख भेज देना और जब समय मिले तो मिस कॉल देना। ये एटलीस्ट मैंने एक स्टेप पार कर लिया है और जानो तो लवेबल है ही, तो आई एम श्योर कि मेरे पेरेंट्स उसको पसंद करेंगे। वो हम दोनों को कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे वो तो मुझे पता नहीं, लगता है आगे आने वाला वक्त ही बताने वाला है। मुझे अपने रिलेशनशिप पे पूरा फेथ है। वील टाइड ओवर दिस। सोनल अपने धक धक दौड़ते दिल को थाम अपने पेरेंट्स के जवाब का इंतजार कर रही थी। इंतजार 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 और फिर आया जवाब कि यू बोथ आर मोस्ट वेलकम। दिल का काम एक्चुअली होता क्या है, प्यार देना और प्यार लेना। सोनल ने जी खोलकर प्यार किया और पाया, एंड टुडे इज स्पेशल। आज उसने अपने पेरेंट्स का प्यार और रजामंदी दोनों मिल गई, यानी दिल को उसका मकसद मिल गया। चीयर्स सोनल ने जानू। पर प्यार के इस लेने देने वाले डिपार्टमेंट में मलेशिका का सिग्नल ब्रेक हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में लव शॉट को लेकर मेरे लाइफ में बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुए हैं। एनीवे, दिस होल आई लव यू स्पेस ना, मुझे व्हाट्सएप और जब मेरे हिसाब से आप ओके आई एम कमिंग स्टॉप डिंग डिंग मी इज 1 o'clock। हम तेरे बिन अब आपको तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। एक्चुअली मैं आपसे देखो टिटिटिंग हो रहा है, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो। आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू about this whole love wala phenomenon and I can't stop blushing and it's unimaginable to me। See bhai aur behno, pyar karne ki koi umar nahi hoti and क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो या फिर आप श्योर नहीं हो कि आप किसी से प्यार करते हो, नहीं it sometimes feels so silly। WhatsApp dekhoge kya? I love you। tera mera rishta hai kaisa ek pal door gawara nahi, tere liye har roz hai jeete tujhko मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। ऐसा महसूस होता है क्योंकि तुम ही तो बोल दो ना, किसी को अच्छा ही तो लगना है। जिंदगी अब तुम ही हो, इसमें गलत क्या है ना, चैन भी मेरा दर्द। तीन शब्दों के इर्द गिर्द हमने इतना हवा मचा रखा है कि इसको बोलते हुए भी चाहे वो किसी को कितना भी खुश क्यों न करे इतना हम कतराते हैं। मलेशिका ये अच्छा है, चित भी तेरा और पट भी। तुम लड़कियों का अच्छा है, दिल में कुछ है लेकिन बोलोगी नहीं, बस हम बेचारों को लटकाती रहोगी। गुजरात में एरन और महिमा ने अपने प्यार का झोला लटका लिया है,
मजे से झूल रहे हैं। महिमा, गौरव का सोचा, उसे कब तक ऐसे झुलाती रहोगी? हम सुबह से यहाँ पर हैं और बहुत कंटाल आ रहा है, बहुत बोर हो चुके हैं क्योंकि ये गांव है, गांव में कुछ भी नहीं है। लव हो गया इनको। प्लीज आज मुझे छेड़ो मत, क्योंकि आज मैं ये बहाना बना रही है शूट पे जाने का, क्योंकि वहाँ कोई है जिनको और भाई बेटी ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त भी है, इससे और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। चढ़ाओ मैडम। काश मेरी ससुराल ऐसी हो यार, मजा आ जाएगा, मेरी तो लॉटरी खुल जाएगी। आराम से सुबह उठो, यहाँ पर बैठ के मैं चाय पीऊँ। हाँ हाँ हाँ, मेरा पति मेरे चाय लेकर आया और मैं आराम से चाय पीऊँगा अपनी ब्लैक टी, और उसके बाद जिम, और उसके बाद ये, उसके बाद वो। भैया खाना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब भूख लगती है तो हमको बना के खिलाते थे। अब क्यों खिलाते? खाने का कोई साधन नहीं होता, क्यों खिलाते थे उनसे पूछे। क्या बोलूं? बोल। पागल हो गई? नहीं, चुचू मुझे बहुत पसंद है इसलिए स्पेशली मैं चुचू के लिए बना। चार दिन में पसंद आ गया उसको। मेरा फेवरेट ये मत दिखाना प्लीज ना, गौरव मुझे चार जवान दिखा। ये मत दिखाना ना जाने मेरे देखो क्या हो गया। हाँ गौरी। हाँ जी, पहुंच गया ऑफिस। चलो अच्छा, और बताओ क्या सुबह सुबह? गौरी पागल हो गए क्या? चलो अभी कॉल कर दूँ आपको, ठीक है? अभी कॉल कर दूँगा, ठीक है? नहीं अभी मैं डीसी स्ट्रेटनिंग मशीन ले लूँ और सेट पे जा रही हूँ ना, ठीक है? ठीक है। ना जाने मेरे देखो क्या हो गया, अभी तो बेचारा दिल। अजी कहाँ का बेचारा, ये दिल है जिसने आपको और मुझे बेचारा बना दिया है। वो मन मौजी अपनी मर्जी से धड़कता है और अचानक हो जाता है बेकाबू, जैसे महिमा के साथ हो रहा है। दिल में एक चेहरा छुपा है और सामने कोई और। अगर वो सिर्फ दिल की सुनना चाहे तो असलियत का क्या करे। दिल और दिमाग के बीच की रेस यूं ही चलती है।